नमस्कार, आप देख रहे हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज लीगल हेल्पलाइन में हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है मध्यस्थता। मध्यस्थता से जुड़े कानूनी प्रावधान क्या है, और इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो, मीडिएशन जिसे कहा जाता है, इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो या फिर आपको किसी तरह की कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मध्यस्थता से जुड़े कानूनी प्रावधान आप जानना चाहते हैं, मध्यस्थता क्या है ये आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं मीडिएशन मध्यस्थता की, और इससे जुड़े क्या कानूनी प्रावधान हैं इसकी, और इसको बखूबी समझाने के लिए और हमें इसको समझने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं प्रवीण चतुर्वेदी जी, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। साथ ही हमारे साथ मिर्जा अजहर अब्बास साहब भी मौजूद हैं, अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा मध्यस्थता के बारे में शुरुआती बेसिक जानकारी, ताकि दर्शक भी इसे समझ सकें और जान सकें क्या है मध्यस्थता। मध्यस्थता के बारे में अगर किन्हीं दो पक्षों में जिनमें विवाद है और वो किसी मध्यस्थ के एक इम्पार्शियल व्यक्ति के सहयोग से अपने विवादों को सुलझाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सेक्शन 89 CPC से प्रोविजन स्टार्ट होता है। लेकिन पिछले 5-1 सालों में एक बहुत बड़ा एक अभियान की तरह इसको सरकार ने लागू किया है। अलग अलग हर एक कोर्ट में एक मध्यस्थता केंद्र बनाया गया है, वहाँ पे बहुत सारे मीडिएटर्स रखे गए हैं जिनको एक अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, और उनके जो उनका जो काम होता है वो ये होता है कि पक्षकारों के बीच में उन विवादों को सामने लाते हैं जिन पे वाकई समझौता हो सकता है, उसमें ईगो को निकाल देते हैं, बाकी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को हटा करके एक उनको मध्यस्थता के स्तर पे ला करके उनको समझौता करा देते हैं। और इससे अच्छी बात यह होती है कि अगर कोई एक सिविल केस है तो उसमें फीस जो कोर्ट फीस हम लोग बहुत, जैसे जमीन के विवाद पे अगर समझौता हो जाता है तो एक बहुत बड़ी जो कोर्ट फीस हम लोग लगाते हैं वो वापस हो जाती है, वो एक केस वहाँ पर क्लोज हो जाता है, उसकी अपील और फर्दर अपील के जो प्रोविजन होते हैं उससे कोर्ट का बर्डन एक कम हो जाता है, और जो पक्षकार हैं उनमें आपस में एक मधुरता के संबंध हो जाते हैं, और हमेशा के लिए वो एक मित्र की तरह रह पाते हैं। परिवारों में, पारिवारिक न्यायालय में, या जिनमें फैमिली डिस्प्यूट है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, लैंड से रिलेटेड इशू हैं, या कई बार हमने देखा है चेक बाउंस के केस हैं, छोटे छोटे क्रिमिनल केसेस हैं, जैसे मारपीट का हो गया या चोरी का हो गया, उसमें भी समझौता हम लोग कराने की कोशिश करते हैं। और उस स्थिति में अगर ऐसा लगता है तो हाई कोर्ट उन FIRs को, जो क्रिमिनल केसेस, उनको क्वॉश कर देती है, और पार्टीज वहाँ पे बहुत अच्छे से रह पाते हैं, और एक समाज में एक बहुत अच्छा माहौल एक क्रिएट होता है, लोगों को एक न्याय व्यवस्था पे एक विश्वास जमता है, और एक कोर्ट के लिए भी अच्छा है कि एक जो अपील और एक लिटिगेशन एक पीरियड होता है उसके बाद फर्दर अपील जाती हैं, वो समय भी काफी बच जाता है, थोड़ा बहुत लोड भी यहाँ पर कम होता है, ये बात कही जा सकती है जी। मिर्जा अजहर अब्बास साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, और मीडिएशन मध्यस्थता के कानून के बारे में हम बात कर रहे हैं, कानूनी प्रावधान इससे जुड़े कुछ क्या हैं, तो मैं अब मध्यस्थ अधिकारी के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उसकी रहती है। हिमांशु जी, जी सर, मीडिएटर जो है, हम आई एम ऑल्सो अ ट्रेन मीडिएटर, आई एम डूइंग मीडिएशन सिंस लास्ट 10 years, आई हैव गॉट ट्रेनिंग थ्रू MCPC, आई एम 40 hours ट्रेन मीडिएटर, और मीडिएशन की ट्रेनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग करने के बाद जब हम मीडिएशन करते हैं
तो जो चीज हमें ढूंढनी होती है जी, वो ये होती है कि व्हाट इज द हिडन एजेंडा। कभी कभी अपेरेंटली पक्षकार के बीच में जो प्रॉब्लम सामने होती है वो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, और प्रॉब्लम में जो अंडरलाइंग इंटरेस्ट है, जो नीचे की चीज है जी, उसको हमें बाहर निकालना होता है, और वो हमें पक्षकारों से ही बातचीत करके निकालना होता है और पक्षकारों से संवाद करना। आई कैन असिस्ट ओनली, हम उन्हें असिस्ट करते हैं, और मध्यस्थ का काम होता है कि एमिकेबल उनकी हम वार्ता करा पाए और वो आमने सामने अच्छे से बात कर पाए। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। सुनीता शर्मा जी भी अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी स्वागत है आपका, मैं आपके पास आऊं। सुनीता जी, उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं अमरोहा से, सरदार सिंह जी, स्वागत है आपका। बताइए किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं, अपना सवाल रखें। सरदार सिंह जी, अपने टीवी की आवाज कम करें और अपनी बात रखें। हाँ जी सर। जी हाँ जी सर, हमारी एक प्रॉपर्टी है में। हाँ हेलो, आप अपना सवाल रखें, हम आपको सुन पा रहे हैं। हमारी पिता की संपत्ति है। हेलो सरदार जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी टीवी की आवाज भी खुली हुई है और इसीलिए आप से हमारा संपर्क सही तरीके से नहीं हो पा रहा। हम चाहेंगे आप हमें दोबारा कॉल करें, या फिर अगर आपकी जो भी समस्या है वो नीचे जो एड्रेस है, ईमेल आईडी या वहाँ पर लिखित में हमें दे सकते हैं, ताकि हमारी जो टीम यहाँ पर मौजूद है वो आपके सवालों का सही तरह से और बेहतर तरीके से जवाब दे सके। सुनीता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मध्यस्थ अधिकारी की भूमिका के बारे में बात की गई, उसके काम क्या क्या होते हैं ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। सुनीता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चल लगता है अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा। वीरेंद्र सराय हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं बिहार से। वीरेंद्र सराय जी स्वागत है आपका, बताइए क्या मदद कर सकते हैं आपकी, सवाल रखें अपना। सर प्रॉब्लम यह है सर कि मेरा सिस्टर सुनीति कुमारी जी, उनका सर विवाह हुआ था, 5 साल विवाह का हो गया सर, लेकिन विवाह होने के बाद जो जब ससुराल गए सर, वो लोग जो है उसको पूरा प्रताड़न करता है, मारता है, पीटता है, पैसा लाने के लिए बोलता है। अच्छा। बहुत तरह का मतलब विवाद चलता है सर। हाँ। उसके लिए सर हम लोग कोर्ट में केस किए थे। हाँ। अभी 498A 406 323 307 504 506 के तहत केस दर्ज हुआ है सर जी। अभी सर वो जो है तो एंटीसिपेटरी बेल मिला है उनको, और बेल मिला है, और जब कोर्ट में जब सुनवाई हुआ था सर जी, तो उसमें दोनों पक्ष में हुआ था कि समझौता दोनों मिलकर रहेंगे, आपसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा। आपसे किसी तरह का दिक्कत नहीं देंगे। हाँ। लेकिन अभी जब सर 3 महीना के बाद सर फिर उसको कुछ कंडीशन दे के बाद किया गया कि ठीक है इस पे साइन कीजिए, आपके साथ जाने के लिए रेडी है, वो कंडीशन पे साइन नहीं करता है सर, बोला हम नहीं करेंगे। उसके लिए विटनेस भी हम लोग कोर्ट में 200 दिए हैं, तो उसको दूसरे लड़के के साथ अवैध संबंध बनाते हुए हम लोग रह गए हैं, ग्रामीण लोग पकड़ा था सर, उसका विटनेस जो है। अच्छा। और अभी इस केस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है सर हमारे लिए? ठीक है, आपकी पूरी मदद की जाएगी। प्रवीण जी, काफी बात इन्होंने यहाँ पर रखी है, तमाम पहलुओं को यहाँ पर बताया, क्या किया जा सकता है इनकी तरफ से? इनकी स्थिति काफी पेचीदा है, और अफसोस की बात यह है कि एक समझौते के आने के बाद भी जो हस्बैंड साइड है उनकी तरफ, उनके लिए काफ़ी इन लोग ने काफ़ी विटनेस भी इकट्ठे किए, ये अपना केस दोबारा वहाँ पे एक नए सिरे से डाल सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि जो मीडिएशन में एग्रीमेंट हुआ था उनकी टर्म्स का वायलेशन है। इनका केस रीओपन करने के लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और अपने रेमिडीज का वो अपने कोर्ट से दोबारा से ये सीख कर सकते हैं। तो एक बार फिर ये कानूनी दरवाजा यहाँ पर खटखटा सकते हैं, और आपका पक्ष मजबूत भी है तो आपको पूरी तरह से इसमें न्याय मिलेगा भी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ ब्रजबाला जी जुड़ चुकी हैं मेरठ से। ब्रजबाला जी बताइए क्या मदद कर सकते हैं आपकी, अपना सवाल रखें। भैया मुझे तो छोटी सी एक परेशानी है कि SBI बैंक में मेरे हस्बैंड का अकाउंट था जी, तो मेरे हस्बैंड के FD कराई हुई थी SBI बैंक में जी, लेकिन उनको 2.5 साल हो गया है। हाँ। मैंने सारे जो उनकी कागजी का, लेकिन उसमें उन्होंने नॉमिनी नहीं किया था किसी को, जैसे वो एफडी कराई थी उसके 2 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। अच्छा।
लेकिन अब मैं बार बार बैंक के 2.5 साल से चक्कर काट रही हूँ, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है मुझे और कुछ ना कुछ कमी बता के वो ना तो कुछ बताते हैं उसमें क्या करना है। अब ये बताइए मैं क्या करूँ, मतलब वो किस तरह से मेरी एफडी मुझे वो मिल जाए। ठीक है अब्बास साहब, यहाँ पर ब्रजवाला जी ऐसा क्या कर सकती हैं कि इनके हस्बैंड की डेथ के बाद नॉमिनी नहीं बनाया था इसलिए इन्हें परेशानी आ रही थी, अब बैंक के बार बार चक्कर लगा रही है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर दिया फिर भी वो एफडी नहीं मिल पा रही है, तो क्या कर सकती हैं ये? देखिए इनके केस में बहुत से बहुत बैंक अगर मांग सकता है तो इनसे केवल सक्सेशन मांग सकता है के और उस सक्सेशन के आधार पर इनकी एफडी को रिलीज कर देगा। अगर ये अपनी ये समस्या बता दें कि बैंक हमसे क्या मांग रहा है और तो हम इनको आसानी होगी कि बैंक ये गलत चीज मांग रहा है, इनसे नहीं मांग सकता। उन्होंने मांगे थे वो मैंने सब दे दिए, उन्होंने कहा था कि एसबीआई बैंक में अकाउंट होना चाहिए। तो ये सारी क्या सक्सेशन मांगा आपने दिया? जी मैंने सब कागज पूरे कर दिए लेकिन वो फिर भी कोई ना कोई बहाना बना के मुझे वहाँ से टाल देते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए ये बताइए आप। नहीं अब अभी वो क्या बहाना बना रहे हैं? बस कभी कह देंगे यहाँ सिग्नेचर नहीं, कभी कहेंगे यहाँ फोटो नहीं, कभी कहेंगे इसको बुला के लाओ सारे आदमियों को मेरे सामने इकट्ठा करो, जबकि मैंने उनको मतलब कुल मिलाकर टालने वाली बात यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे में बैंक अपना पूरा काम ईमानदारी से करे तो इसके लिए क्या कदम यहाँ पर उठाए जा सकते हैं सर? देखिए अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर ये बैंक की कंज्यूमर है, ये कस्टमर है बैंक की और बैंक हमारा जो है, तो ये अगर चाहे तो, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा कि ये फोरम पे जाएं, कंज्यूमर फोरम पे और बैंक के खिलाफ शिकायत करें और ये अपनी समस्या से मगर दूर हो जाएंगी। इनको चाहिए है कि किसी समझदार आदमी को ले जाएं जो बात समझ पाए। हमें ऐसा लग रहा है कि इनके केस में, बालाजी के केस में केवल कम्युनिकेशन गैप है और वो कम्युनिकेशन गैप विदाउट एनी लिटिगेशन मीट आउट किया जा सकता है। हाँ सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं बालाजी आपका, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिला होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनीता जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं क्या करूँ मुझे ये बता दीजिए बस। Can I respond? एक मिनट प्रवीण जी कुछ बताना चाहते हैं। जी बालाजी मैं आपके बारे में यही कहना चाहूँगा कि जैसा अब्बासी जी ने कहा, आपके पास सक्सेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है? अगर वो है तो उसके अलावा बैंक और कोई ज़्यादा कोई कागज़ नहीं मांगता है। और फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है, अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट देने के बाद भी बैंक नहीं कर रहा है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा करके अपने एफडी के पैसा उसके अलावा आप उनसे हर्जाना के लिए भी अपना दावा कर सकते हैं। तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, वहां पर आपको पूरी तरह से न्याय भी मिलेगा और बैंक को वहां पर जवाब भी देना होगा क्यों आप आखिर आपको परेशान किया जा रहा है। शुक्रिया ब्रजबाला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनीता जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी आवाज आ रही है, साफ आ रही है। सुनीता जी मध्यस्थता की यहाँ पर आप बात की जा रही है तो मध्यस्थ अधिकारी के बारे में यहाँ पर बात की गई कि क्या उनका काम रहता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मध्यस्थ प्रक्रिया के क्या क्या लाभ होते हैं और क्या जो बड़े बड़े मामले यहाँ पर रहते हैं ये माना जाए कि मध्यस्थता की वजह से उनको तुरंत या फिर जल्द से जल्द उनको खत्म किया जा सकता है, एक बहुत बेहतर तरीका है ये? जी मध्यस्थता बहुत ही बेहतर तरीका है। जो भी सेटलमेंट कोर्ट से नहीं हो पाती है, जैसे कोर्ट में कोई केस चल रहा है और कोर्ट में आदेश होने में देर हो रही है, अगर कोर्ट उसको रेफर कर देता कि आप जाइए मेडिएशन सेंटर और मेडिएशन में अपना सेटलमेंट कर लीजिए, तो ये एक ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट प्रक्रिया है जो कि बहुत ही स्पीडी है और बहुत ही स्पष्ट है। इससे दोनों पार्टीज आमने सामने बैठ जाती हैं और मीडिएटर रहता है उसके सामने अपनी सारी बातें बताते हैं, तो ये सारी बातें मीडिएटर समझ कर उस बात को एक फैसला लिख देता है, फिर वो कोर्ट में भेज देता है, फिर उसी आधार पर आदेश तुरंत हो जाता है और लोगों को लाभ मिल जाता है। और ये मीडिएशन बहुत ही इफेक्टिव प्रक्रिया है और इस समय तो बहुत ही लाभकारी है। जो केसेस कोर्ट में टेकअप नहीं हो पाते और कोर्ट में होने में देर हो जाती है, वो केसेस जब मीडिएशन में चला जाता है और पार्टीज आ जाते हैं तो वो वहीं सेटल हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रक्रिया निकाला, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ये, जो कि लाभदायक है लोगों के लिए, काफी 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 असर भी इसका हो रहा है। प्रवीण जी एक बार फिर मैं आपसे आपके पास आना चाहूंगा, ये जानना चाहूंगा प्रोसीजर क्या है अगर कोई विवाद है और विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता हमें करनी है, मीडिएशन का सहारा लेना है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि अगर आपका केस कोर्ट में पेंडिंग है या नहीं है, और दूसरा वो केस जो मैट्रिमोनियल इश्यूज हैं। पहले अगर कोई
आपका केस कोर्ट में पेंडिंग है, लंबित है, और आप अपने जज से अपनी राय, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हम मीडिएशन करना चाहते हैं और दोनों पक्ष उसमें राजी होते हैं, तो तुरंत मीडिएशन के लिए मैटर भेज दिया जाता है और वहाँ पर उसकी, जैसे मैडम ने बताया, उस तरह से वहाँ पे प्रोसीडिंग होती है। और ये जैसे जहाँ तक मैट्रिमोनियल इश्यूज का सवाल है, वहाँ पे ये मेडिएशन के लिए भेजना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। वहाँ पे बगैर एफआईआर स्टेज पे भी मीडिएशन होता है, कंसल्टेंसी होती है, उनको लोग गाइड करते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम केस में प्लीडिंग्स में जो भी लिखते हैं या कहते हैं कोर्ट में, वो हम उसके लिए बाउंड होते हैं, लेकिन मीडिएशन में, इनसाइड द मीडिएशन रूम, हम जो भी कहते हैं, जो भी डिस्कशन होता है, जो भी हम बात खुल के कहते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होता। आप जो बात मन में है एकदम खुल के कह सकते हैं। और वहाँ पे दो ही तरह के ऑर्डर पास होते हैं। पहला होता है अगर मीडिएशन फेल हो जाता है तो दो शब्द लिखे जाते हैं, मीडिएशन फेल हो गया, और अगर मीडिएशन सक्सेसफुल होता है तो जिन टर्म्स में होता है उसके तरीके से एक समझौता नामा बना लेते हैं और वो कोर्ट में चला जाता है, उसके आधार पर कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है। तो एक जो एक फ्रीनेस होती है, एक आप स्वेच्छा से जो बातें असली बातें हैं वो कहना चाहते हैं, जैसा अब्बासी जी ने भी कहा था, एकदम सही कहा था, कि जो अंडरलाइन इंटेंशन है उसको हमें सर्च करना होता है और उसी पे हम लोग समझौता कराने की कोशिश करते हैं, और जब वो हो जाता है तो सेटलमेंट हो जाता है। जी, उत्तर प्रदेश से एक और दर्शक हमारे साथ श्रवण इस वक्त जुड़े हुए हैं। श्रवण जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या आपकी मदद कर सकते हैं, सवाल रखें अपना। श्रवण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहे हैं। जी, अपना सवाल रखें। सर, मुझे जानकारी चाहिए, अगर कोई जिंदा पेड़ हरे पेड़ को जलाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, कौन सी कानूनी हेल्प ली जा सकती है, ये सर मुझे जानकारी चाहिए, क्योंकि कुछ जगह मैंने देखा है सदस्य जो जिंदे पेड़ को जलाया जा रहा है, क्योंकि हमें लगता है एनजीटी के खिलाफ जो है कि वो है नियमों के खिलाफ है, तो इसके लिए मुझे सर हेल्प लाइन या कुछ जानकारी मिले तो मैं उसमें आगे कुछ कार्रवाई कर सकता हूँ सर। अच्छा, ठीक है, यानी ठीक है, आपके जो आपका सवाल है उसका जवाब यहाँ पर जान लेते हैं। प्रवीण जी, अगर कोई हरे पेड़ को यहाँ पर जलाया जा रहा है तो क्या ये कोई कार्रवाई कर सकते हैं, कोई कदम उठा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ पे हर एक शहर में एक वन संरक्षण का एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे जाके आप लिखित शिकायत दे सकते हैं। पहली सरसरी तौर पे आप सबसे पहले पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, और वहाँ पे जो वन विभाग होता है वो उसे कोऑर्डिनेट करते हैं, उसका इंस्पेक्शन होता है, हर एक पेड़ का एक गिनती होती है और उसके संरक्षण का एक रिपोर्ट हमेशा तैयार की जाती है। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, ये मंथली रिपोर्ट एक बनाई जाती है और उसका कितने पेड़ हरे हैं, कितने कटने हैं या किसका क्या होना है, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है, और कोई भी सक्षम नागरिक इसके लिए अपनी प्रतिवेदन दे सकता है। और ये बहुत अच्छी पहल भी आप कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कदम उठा रहे हैं तो बहुत अच्छा और सराहनीय कदम भी है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं जिनका नाम है पी के सिंह जी। पी के सिंह जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या मदद कर सकते हैं, आपके अपने सवाल रखें। जी, मेरा है कि मैं वाजिब मुकदमा हूँ और मेरा एक केस 498A 324506 लंबित है। और एक्यूज्ड का इसमें चार्ज फ्रेम हो चुका है। मैं मामले को कम्प्रोमाइज करना चाहता हूँ, तो क्या प्रक्रिया रहेगी? ठीक है, जान लेते हैं। सुनीता जी, क्या प्रक्रिया इसमें रहेगी, ये मामले को सुलझाना चाहते हैं? कोर्ट में पेंडिंग है, जो सही बता रहे हैं। अगर इनका मामला कोर्ट में पेंडिंग है तो ये कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हम मीडिएशन में जाना चाहते हैं, तो कोर्ट इनको मीडिएशन में भेज देगी, तो ये वहां पर खिलाफ पार्टी भी आएगी और ये भी जाएंगे, और ये सारी प्रोसीडिंग्स जो है ये कॉन्फिडेंशियल होती है, कमरे में होती है, ये अपनी सारी बातें मीडिएटर के सामने कह सकते हैं, और मीडिएटर और दूसरी पार्टी से मिलकर बात होकर एक जो कॉम्प्रोमाइज ये चाहते हैं वो वहाँ हो जाएगा, तो फिर वो मीडिएटर कॉम्प्रोमाइज में मीडिएटर इनके सारे टर्म्स कंडीशंस को लिखकर कोर्ट में डाल देगी और उसी आधार पर इनका केस निर्णीत हो जाएगा और जल्द हो जाएगा इनका काम। चलिए, शुक्रिया आप जुड़े और उम्मीद करते हैं आपका आपके सवाल का यहाँ पर जवाब भी मिला होगा। मज़र अब्बास साहब, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है, मीडिएशन की प्रोसेस में कई लोग जाते भी हैं अपने समस्या के समाधान के लिए कि उनका जो काफ़ी लंबे वक्त से जो भी मुकदमे या फिर जो भी केस चला रहा है उसका जल्द से जल्द समाधान हो, लेकिन क्या इसमें कोई टाइम लिमिट है कि हाँ इतने वक्त में आप प्रयास कर सकते हैं, अगर इतने वक्त में भी अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर ठीक है, फिर से वो कानूनी प्रक्रिया जारी है? हिमांशु जी, मीडिएशन में हमारे पास चाहे एफआईआर पर आए, चाहे कोर्ट केस से आए,
हमारे पास फर्स्ट 60 डेज होते हैं इस चीज को निपटाने के, और 30 डेज का प्रेरोगेटिव मीडिएटर के पास बैक में रहता है। अगर उसे लगता है कि ये केस जो है डिस्पोज हो जाएगा तो वो उस 30 डेज को भी ले सकता है, और कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक मीडिएटर के पास किसी केस को डिस्पोज ऑफ करने में 90 डेज का टाइम होता है। यानी 90 डेज तक ये उम्मीद रहती है कि ठीक है मामला सुलझा लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल मैं प्रवीण जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसा कि बात यहाँ पर निकल के सामने आई, अगर मीडिएशन से मामला नहीं समझता है या फिर जो मध्यस्थ अधिकारी है वो कोई तरीका यहाँ पर निकालता है और उससे सहमति नहीं बनती है तो फिर उसके बाद क्या? मीडिएशन में जैसे मैंने पहले कहा उसमें दो ही रिजल्ट निकलते हैं, या तो मीडिएशन सक्सेसफुल होता है जैसे अब्बासी जी कह रहे थे, उसको एक हम एक रिटन फॉर्म में एक लेकर के आते हैं वो कोर्ट का पार्ट बनता है, और या मीडिएशन फेल होता है, और फेल होता है तो मैटर दोबारा से कोर्ट के पास जाता है, फिर जो रिकॉर्ड पे प्लीडिंग्स होती है उनके बेसिस पे एक नॉर्मल केस की तरह वो केस डिसाइड। लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि ज्यादातर मध्यस्थता में मामलों का निपटारा हो जाता है। हाँ, इसमें जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत एनकरेजिंग है, बहुत सारे मैटर जो हैं बहुत जल्दी एक्सपीडाइट वे में डिसाइड हुए हैं और बहुत लोग खुशी खुशी अपने घर गए। बिल्कुल, हमारा कानून हमारा संविधान भी लगातार यही कहता आया है कि मामले आपसी सहमति से जितने ज्यादा सुलझे उतना ज्यादा बेहतर होता है। शुक्रिया प्रवीण जी, मिर्जा अजहर अब्बास साहब आपका और सुनीता शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की कई समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो लीगल हेल्पलाइन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, बने रहें एपीएन के साथ। नमस्कार।